राजधानी रांची में कोरोना की वजह से हर चीज़ का स्वरूप बदल गया है और साथ ही बदल जाएगा दुर्गा पूजा के आयोजन का स्वरूप भी। जी हाँ, मैं हूँ कंचन और वेलकम बैक टू माय चैनल। हालांकि पूजा समिति ने दुर्गा पूजा के आयोजन का फैसला लिया है, जिन जगहों पर साल दर साल पारंपरिक तौर से कलश स्थापित हो रही है वहाँ पूजा समितियों ने फैसला लिया है कि कलश स्थापना होगी, मां की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, लेकिन सुरक्षा के दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। प्रतिमा को भव्य बनाने के बजाय सादे तरीके से पूजा पाठ करने की तैयारी में पूजा समिति जुट गए हैं। पूजा के दौरान ना मेला लगेगा ना ही बाजार सजेंगे, सिर्फ पूजा का आयोजन होगा और श्रद्धालुओं के भीड़ लगने पर भी पाबंदी होगी। पंडाल की जो भव्यता रांची में देखने को मिलती थी इस बार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पाबंदियां लागू है और पंडाल देखने दूर दूर से लोग अलग अलग पूजा समितियों में पहुंचते थे, तो उनसे बचने के लिए कोशिश सिर्फ मां की छोटी सी प्रतिमा स्थापित की जाएगी और कलश स्थापना होगी और विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी उन तमाम जगहों पर जहाँ साल दर साल कलश स्थापना और मूर्ति स्थापित होती रही है। सिर्फ परंपरा के निर्वाहन के लिए प्रतीकात्मक तौर पर आयोजन किया जाएगा। राजधानी रांची में इस बार भव्यता गायब रहेगी और ना ही मेले लगेंगे और ना ही दुकानें सजेंगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इस बार राजधानी रांची में कोई भी भव्य माँ दुर्गा की पंडाल नहीं बनेंगे, ना ही श्रद्धालु आएंगे और ना ही भीड़ लगेगी। भीड़ ना जुटे इसलिए भव्य पूजा पंडाल नहीं बनेंगे, मेला और बाजार भी नहीं लगेंगे ताकि लोगों की भीड़ ना लगे। हालांकि अभी पूजा समितियों ने फैसला लिया है, देखना होगा कि प्रशासन की ओर से इसकी क्या अनुमति और क्या दिशा निर्देश जारी होती है। रांची में कोरोना संकट के बीच रविवार 2 अगस्त 2020 को रांची जिला दुर्गा पूजा समिति का गठन किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए मुनचुन रॉय को फिर से संयोजक चुना गया, अशोक पुरोहित को अध्यक्ष चुना गया। दोनों का चयन सर्वसहमति से हुआ। दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई। बैठक में पिछले वर्ष के आय व्यय सहित समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। पुरानी समिति को भंग कर नई समिति का गठन किया गया। अशोक पुरोहित को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया। नई समिति के चुनाव के बाद वर्ष 2020 की पहली आम बैठक संपन्न हुई। बैठक में दुर्गा पूजा के सफल संचालन के लिए सभी पूजा समितियों ने अपने विचार एवं सुझाव दिए। इसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक के अध्यक्ष मनोज पांडे ने अध्यक्ष पद के लिए अशोक पुरोहित के नाम का प्रस्ताव किया, जिससे सर्वसहमति से पारित कर दिया गया। बैठक में कई प्रस्ताव आए जिस पर सहमति बनी। समितियों ने तय किया कि 4 फुट से अधिक ऊंची प्रतिमा स्थापित नहीं करेंगे। रांची जिला में कहीं दुर्गा पूजा के दौरान मेला या बाजार नहीं लगेगा। पूजा के लिए पंडाल नहीं बनेंगे, सिर्फ मां दुर्गा की विधान पूर्वक पूजा के लिए पंडाल बनाने की अनुमति होगी। मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडाल में किसी वक्त को आने की अनुमति नहीं होगी। लोग ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। पूजा समिति के कर्ता धर्ता ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था करेंगे। सिर्फ समिति के लोग एवं पुजारी ही मां की पूजा करेंगे। विसर्जन में बिल्कुल भीड़ नहीं होगी। अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात कर समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच किस प्रकार दुर्गा पूजा मनाया जाए इस पर विचार विमर्श किया। मौके पर समिति ने पूजा आयोजन समितियों को दिए गए अपने दिशा निर्देशों से भी अनुमंडल पदाधिकारी को अवगत कराया।
समिति ने बताया कि इस वर्ष दुर्गा उत्सव छोटे स्तर पर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए वैसे आवश्यक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे जो समाज, राज्य और देश के हित में होगा। आयोजन के दौरान जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। अनुमंडल अधिकारी ने कहा कि यह अच्छी बात है कि आप लोग खुद ही पहल कर रहे हैं। वैसे अभी दुर्गा पूजा में करीब 2 माह का समय है, लिहाजा देखना होगा कि उस वक्त कैसी परिस्थितियां रहती है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोगों के धार्मिक भावनाओं को एवं समिति द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार विमर्श करने के बाद प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं जमशेदपुर में पूजा से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस है उस पर बात करूँगी।